देता भी है तो आती तंतान ना, वो भी इकलौती। हाँ है थोड़ा नाता मत, लेकिन हो जाएगा दिले दिले जिम्मेदार मेली तला। क्या कह रही है? उठा लो। क्या उठा लो? अरे इनकी चप्पल उठा लो, अब ये स्वयं ही रामा को ढूंढने जाएंगी। और अगर रामा मिल गया तो प्रलय आ जाएगी, धरती बन जाएगी, बिजली कड़केगी और आसमान टूट पड़ेगा। रामा ये कहाँ से टपका? उठा लो। क्या उठा लो? ऐसे उठा लो, ऐसे पड़े रहने दो। लो देखो हंस ले बेचलम। अरे और नहीं तो क्या? अरे ये तो अच्छी बात है ना अम्मा कि पूरे गांव ने मेरा बहिष्कार कर दिया है। अब जिस जिस से मैंने कर्जा लिया था उनमें से कोई भी मुझसे कर्जा वापस मांगने के लिए मेरे आसपास भी नहीं फटकेगा। छी 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 छी, तुम जैसा कपटी नहीं देखा जिसने इतनी बड़ी घटना में भी अपने मतलब की बात निकाली। ये कह रही है? नहीं मैं कह रही हूँ आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना। अम्मा को? नहीं मुझे आज के बाद कोई संबंध नहीं मेरा और अम्मा का। नहीं हमारा और तुम्हारा। अरे सुनो तो शारदा। अम्मा अम्मा अरे सुनो तो अम्मा। चल भाई बंधु बाहर चलकर जरा अपने बहिष्कार का मजा लिया जाए। राम राम काकी। कैसे अरे कैसे काका? अरे चारा खा लिया? अरे देखा रामा अपने बहिष्कार का असर, अब तो तेरे पास कोई फटकने को भी तैयार नहीं है। हाँ यार बंधु क्या बात है, आनंद ही आ गया। अच्छा सुन वो सामने से जो आ रहे हैं अपने पंडित जी है ना। जीते रहो जीते रहो जीते रहो। क्या? अरे इस तरह बैलगाड़ी के नीचे छुपकर क्यों बैठे हो पंडित जी? बाहर धूप है ना इसलिए छांव में आके बैठा, अभी बैठे बैठे थक गए इसलिए मैं जा रहा। अरे सुनिए तो कल मैं अपनी विवाह से भाग खड़ा हुआ, बुरा तो बहुत लगा होगा आपको। कहता ही नहीं ए, कमंडल छोड़ ना। अरे विवाह की सामग्री के पैसे तो लेकर जाइए। बाद में दे देना, अभी कमंडल देना। बाद में नहीं लौटा पाया तो विवाह की भेंट समझ के रख लेना, अभी कमंडल देना। पर विवाह तो हुआ ही नहीं। तो अग्रिम भेंट समझ के रख लेना, अभी कमंडल देना। तो इसका मतलब कि मुझे आपको कोई कर्जा नहीं लौटाना? नहीं कोई कर्जा नहीं लौटाना, मुझे जाने देना। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो ले लो। तो रख ये कमंडल रख है। और ये पंडित जी मेरा पीछा छोड़ने बस। जय
जयराम जी की साहूकार जी। जयराम, आप कौन? साहूकार जी, मैं रामा, रामकृष्ण। बैल खरीदने के लिए आपसे कर्जा लिया था। इतने साल हो गए, ना मूल चुकाया ना सूद, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? सब समय का फेर है बेटा, जल्दी करो, समय नहीं मेरे पास। अब क्या है ना कि कल स्नान ग्रह में ऐसा गिरा कि सर पर चोट आ गई, यादाश्त जाती रही। ओहो, मुझे तो कुछ याद नहीं। अब जब कुछ याद ही नहीं तो कैसा लेन देन? मैं तुम्हें पहचानता नहीं, अब तुम भी मुझे भूल जाओ। जय राम जी की। अरे साहूकार जी, मतलब पूरा कर्जा माफ? अब जब यादाश्त साफ तो कर्जा भी माफ। जय राम जी की। बधाई हो रामा, तेरे तो सारे कर्जे माफ हो गए। हाँ यार, ये तथाचार्य तो बड़े काम की चीज निकला। चलो, बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा विश्राम किया जाए। यार बंधु, बड़ी भूख लगी है मित्र। अम्मा कुछ खिलाएंगी नहीं, बाहर से कुछ खरीद ले पल्ले, उतना धन भी नहीं। लगता है आज तो उपवास ही करना पड़ेगा। ले था। इसमें क्या है? था ना, शारदा ने भेजा है। मुझे पता था, और किसी को हो ना हो, शारदा को मेरी चिंता अवश्य है। शारदा नहीं आई? नहीं, नालाज है तुझते, कहती तेरी शक्ल भी नहीं दिखना चाहती। चल झूठे, वो क्या छुपी बैठी उस पेड़ के पीछे? चल फादर, वो पेड़ के पीछे तो ले, वो तो झाड़ी के पीछे। निकल दिया मुते। अच्छा गुंडप्पे, इसमें रोटी है, सब्जी है, खीर नहीं है। जरा पूछ करा, खीर क्यों नहीं बनाई मेरे लिए? पूछ लाए कि खाने के साथ खीर क्यों नहीं बनाई? ये भेजा है, खाएगा? पागल है, मैं शाकाहारी हूँ, चमड़ा थोड़ी ना खाऊंगा। अरे कब तक ऐसे जीवन जीते रहेंगे? जहाँ जगह मिली सो गए, जो मिला खा लिया, ना मेरी कोई चिंता ना अम्मा का कोई ख्याल। ऐसे इंसान को तो डूब के मरना चाहिए। थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? क्रोध दिलाएंगे तो फिर? नहीं, सब्जी में मिर्च थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? तो उठा लो ना, पानी का लोटा पड़ा है, उठा के पी लो। देखा गुंडा, इन्हें ना किसी की नहीं पड़ी। अरे हमारी तो छोड़, तू तो मित्र है ना इनका, इन्हें तो ये भी नहीं पता तेरे परिवार पे क्या क्या बीत रही है। वो साहूकार बैल तो पहले ही हड़प लिए थे इनके, अब कहता है कि अगर एक दिन में पूरा खेत जोतकर फसल की बुआई नहीं की और समय पर सारा कर्जा नहीं लौटा तो घर भी हत्या लेगा इनका, अधर्मी का इनका। तुम तो जानते ही हो गुंडप्पा के अप्पा की तबीयत कितनी खराब रहती है आजकल, ऐसे में इतना बड़ा खेत कैसे जोतेंगे बेचारे? क्यों रे गुंडप्पा, बताया क्यों नहीं? मित्र कहता है और मित्र से अपना दुख साझा नहीं करता। ये तेरे हाथ में क्या है? तोने का टिक्का। अब ले देखे, यही बचा है हमारे पास। अच्छा, ला मुझे दे ये सिक्का। बेचारे की सहायता करने की जगह एक सोने का सिक्का पड़ा था, वो भी हथिया लिया। हे भगवान, उठा लो इस संसार से, उठा लो। कहा है वैसा ही करना, तैयार? हाँ। मैं क्या कह रहा था गुंडप्पा, कि जब अच्छे दिन आ ही रहे हैं तो फिर क्यों ना अपने घर का नक्शा भी बदलवा लिया जाए, उसकी जगह एक नया और बड़ा घर बनवाया जाए, बिल्कुल अपने उस साहूकार के घर जैसा, भव्य और आलीशान। क्या कहता है? दही है, दही है। अम्मा भी हमेशा कहती रहती है कि कहीं आने जाने में उनके पैर बहुत दर्द करते हैं। तो उनके लिए भी मैंने 4 घोड़ों वाला रथ बनने को दे दिया है। अरे कोचवान भी रख लिया है। थोड़ा ज्यादा होल है, लेकिन तैयार, लगे लो। अच्छा सुन, मैंने तुझे वो थैली संभाल कर रखने को दी थी,
वो रखी है ना संभाल कर। ये देख। अगर लोगों को पता चल गया कि इतना सारा धन है हमारे पास तो मुसीबत हो जाएगी। चल निकल यहाँ से। अली तोने का टिक्का तो दाने दे। अली दाने दे ना। एक आध सिक्का अगर गिर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत धन है हमारे पास। चल चल। शुद्ध सोना। अच्छा चल लामा, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ। लेकिन लामा। हाँ। तूने बताया नहीं कि तेरे पास इतना ताला धन आया कहाँ से? तुझे पता नहीं है लेकिन तेरे पिताजी के खेत पे एक बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। क्या ताला है? मेरे पिताजी के खेत में खजाना गड़ा हुआ है? और नहीं तो क्या, आज अवसर देखकर मैंने वहाँ से सोने के सिक्कों वाली मटकी तो निकाल ली, बाकी का खजाना कल जाकर निकाल लूंगा। आधा खजाना मेरा, आधा तेरे पिताजी का। बस तू प्रार्थना कर कि किसी और को इस खजाने के बारे में पता ना चले और वो हमसे पहले ही आज रात को वहाँ पहुंचकर खजाना निकाल ना ले, क्योंकि खजाना तो उसे ही मिलेगा ना जो खेत खोदेगा, है कि नहीं? शब्द नहीं मेरे पास धन्यवाद देने के लिए रामा, तुमने जो भी मेरे लिए किया है। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया गोपाल काका, जो कुछ भी किया है इन गांव वालों ने किया है। सारी रात सबने मिलकर आपका खेत जोता और आपकी समस्या का निदान कर दिया, ये सब है आपकी धन्यवाद के असली पात्र। अरे काहे के पात्र हैं, पूरा खेत जोतवा दिया झूठ बोल करके। पूरा गाँव जानता है साहूकार जी कि रामा कभी झूठ नहीं बोलता। खेत में खजाना गड़ा है, ये झूठ नहीं बोला था? बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों बाद जब यहाँ लहराती फसल उगेगी तो वो गोपाल काका के लिए किसी खजाने से कम होगी क्या? अरे यही तो वो असली खजाना है पंडित जी, जो हमारे देश का किसान हर साल उगाता है। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, इन साहूकारों के कारण इस गरीब किसान का परिवार ना तो दो समय का भोजन ठीक से कर पाता है, ना ही सम्मान से जी पाता है। चलिए कोई नहीं, कभी तो कोई आएगा जो इस अन्याय के विरुद्ध क्रांति की मशाल जलाएगा और इन साहूकारों की लंका जलाकर इन गरीब किसानों का दुख दर्द दूर करेगा। कैसा लगा? थोड़ा फीका है पर अच्छा है, स्वादिष्ट है। मैं इस फल की बात नहीं कर रहा हूँ रामा जो तुम्हारे हाथ में है, मैं उस फल की बात कर रहा हूँ जिसका स्वाद तुम अभी अभी चक्कर आए हो, तुम्हारे पुण्य कार्य का फल।
अच्छा रामा एक बात बताओ, किसी लाचार व्यक्ति की सहायता करके तुम्हें कैसा लगा? अच्छा ही लगा मुनिवर, किसी की सहायता करके किसको अच्छा प्रतीत नहीं होता। और फिर वो तो मेरे मित्र के पिता थे, उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य था ना। मानवता भी तो एक कर्तव्य है रामा, जिसे निभाना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे मित्र के पिता के जैसे इस संसार में न जाने कितने असहाय और दुर्बल इंसान हैं, जिन्हें रामा की आवश्यकता है। तुम उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं? अरे रे रे, कहाँ फंसा रहे मुनिवर? मैं ठहरा एक सीधा साधा साधारण सा इंसान, अपनी नहीं संभलती, मैं दूसरों की क्या सहायता करूंगा? ये वो कह रहा है जिसने अपनी बुद्धिमता से इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। ये वो कह रहा है जिसने कुछ ही समय में साहूकार के अत्याचारों के विरुद्ध न्याय की लड़ाई लड़ी है। अरे निकल गया जोश जोश में मुनिवर, अब क्या जान लोगे इस गरीब पंडित की? अच्छा अब विश्राम करने का समय हो रहा है, आज्ञा दीजिए। और अगर मैं तुम्हें कोई ऐसा उपाय बता दूं जिससे तुम बिना परिश्रम किए ही सदैव के लिए विश्राम कर सकोगे तो? बिना परिश्रम के विश्राम? हाँ बिल्कुल, धन धान्य वैभव सब कुछ होगा तुम्हारे पास। जब ये सब कुछ तुम्हारे पास होगा तो तुम्हें परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शत प्रतिशत, अर्थात माँ, शारदा, शारदा के घर वाले सब प्रसन्न बिना कुछ किए? हाँ मेरा विश्वास करो। अरे तो शीघ्र बताइए ना वो उपाय प्रभु। सबसे पहले काली माँ के मंदिर में जाओ। काली माँ के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दो और जो बीज मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं उसका जाप करो। तुम्हारे जीवन का सत्य जो विधाता ने केवल तुम्हारे लिए रचा है तुम्हारे सामने आ जाएगा। जय महाकाली। हे माँ काली, हे जगत जननी माँ, मेरा सहृदय वंदन स्वीकार करें। आप तो सब कुछ जानती हैं माँ, आप ये भी जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं यहाँ आपका आवाहन करने आया हूँ माँ, आपको प्रसन्न करने, स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ। यदि कोई भूल या त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर देना माँ। जय महाकाली। Bye.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.